सांस लेने में और बारिश कराने में मदद करती थी। सूरज हमें ठंड से बचाने में और पौधे उगाने में मदद करता था। पर एक बार हवा ने बहस छेड़ दी। मैं तो पूरी दुनिया घूम चुकी हूँ, मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई भी नहीं है। ये सुन के सूरज मुस्कुराया और बोला, मुझे तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सब लोग मुझे जहाँ भी हैं वहीं से देख सकते हैं। हवा बोली, तुम तो सिर्फ दिन में ही दिखते हो, रात में कहाँ चले जाते हो? सूरज बोला, अरे मैं रात में कहीं नहीं जाता, पृथ्वी ही मेरे चारों ओर चक्कर लगाती है और रात का चांद भी तो अपनी रोशनी मुझसे उधार लेके चमकता है। इस तरह महीनों दोनों में बहस चलती रही। तो बच्चों, आप बताओ आपको क्या लगता है, सूरज और हवा में से कौन ज्यादा ताकतवर है, सूरज या हवा? हवा की नजर एक इंसान पे पड़ी। उसे देख के हवा के दिमाग में एक उपाय आया। हवा ने सूरज से कहा, सूरज इस इंसान की शॉल जो सबसे पहले उतरवा देगा वही सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाएगा। ये सुन के सूरज मुस्कुराया और बोला, ठीक है हवा, जैसे तुम्हें ठीक लगे। हवा ने अपनी शक्ति दिखाना शुरू करी। हवा बहुत तेज चलने लगी। जैसे जैसे हवा तेज होती वैसे वैसे इंसान अपनी शॉल को और मजबूती से पकड़ लेता। हवा ने बहुत कोशिश की लेकिन वो इंसान की शॉल नहीं उतरवा पाई। और सूरज बोला, अब मेरी बारी है। तो सूरज ने चमचमाना और ज्यादा तेज किया, अपना ताप बढ़ाया, बहुत ही ज्यादा गर्मी हो गई, इंसान के पसीने निकलने लगे और इंसान बोला, उफ कितनी ज्यादा गर्मी है, मुझे लगता है मुझे अपनी शॉल उतारनी पड़ेगी। फिर इंसान ने अपनी शॉल उतार दी। इसी प्रकार सूरज जीत गया। ये देखकर हवा को अपनी बात पे बहुत पछतावा हुआ। हवा ने सूरज से माफी मांगी और नमस्ते बोल के जाने लगी। सूरज ने हवा को रोका और बोला, हवा हम दोनों पक्के दोस्त हैं और हम दोनों में से कोई भी ताकतवर या कमजोर नहीं है,